रजा समो वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स ऑफ पाकिस्तान। क्या हुआ रजा समो के साथ ऐसा कि ऊपर जाने के बजाय वो एकदम से नीचे जाने लगे, जहाँ पे बाकी यूट्यूबर्स सबसे आगे निकल गए, रजा समो थोड़ा सा पीछे रह गए। रजा समो ने ऐसी क्या की गलती जिसकी वजह से उनके पूरे यूट्यूब कैरियर को डाउनफॉल आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सोच विद शिराज कुरैशी SQ। ये मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं बेसिकली अपनी सोच के बारे में बताऊंगा, क्या गलतियां कर रहे हैं लोग, हम लोगों को जानेंगे, चीज़ों को जानेंगे, चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, अपनी सोच और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने ला के रखूंगा। अच्छा, तो आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने लगा हूँ वो है बेसिकली रजा समो, वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर। बिफोर कोरोना यूट्यूब पे रजा समो, डकी भाई और बाकी 3-4 यूट्यूबर्स छाए हुए थे। हर जगह सिर्फ बहुरामी, और उस टाइम पे रोस्टिंग जो थी वो पीक लेवल पे, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, क्योंकि रोस्टिंग अरूज पे थी। तो पाकिस्तान में से ये दो यूट्यूबर्स थे जो कि बेसिकली रोस्टिंग कर रहे थे और जिनका कुछ नाम था और बहुत अच्छा कर रहे थे रोस्टिंग अंदर, वो था बेसिकली डक्की भाई और रजा समो। तो बिफोर कोरोना एवरीथिंग वॉज ऑन द हाई लेवल, लेकिन आफ्टर कोरोना ऐसा क्या हुआ कि डक्की भाई तो आगे निकल गया, रजा समो वहीं का वहीं रह गया। ये सारा मामला स्टार्ट होता है 2021 के एंड पे और 2022 के स्टार्ट में, जहाँ पे पाकिस्तान में और इंडिया में रोस्टिंग का इतना कुछ सीन नहीं रहा था। रोस्टिंग तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, क्योंकि रोस्टिंग का इतना सीन खत्म हो गया था तो अब इनके जो व्यूज थे वो कम जाने लग गए, इनके व्यूज गिरने लगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में रोस्टिंग का कोई इतना पसंद नहीं कर रहा था। उस टाइम पे दौर शुरू हो गया था व्लॉगिंग और डेली व्लॉगिंग का, और पाकिस्तान में आई थिंक डेली व्लॉगिंग कर रहा था मास अफदर, बाकी भी 3-4 यूट्यूबर्स थे जिन्होंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। ऐसी सिचुएशन में डक्की भाई ने क्या कमाल गेम खेली, उसने बेसिकली क्या किया, उसने स्टार्ट कर दी डेली व्लॉगिंग, रोस्टिंग को साइड पे कर दिया और डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, जो भी दिन में वो कर रहा था वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था, और लोग जो उसकी ऑडियंस थी वो काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि डक्की भाई नॉर्मली महीने में 1-2 वीडियोस डालता था, वो अब रोज डालने लगा। ऑन दी अदर हैंड रजा समो ने कहा कि भाई मैं उसी चीज पे ही लगा रहूंगा, मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखें ना यूट्यूब कम्युनिटी देखें तो डेली व्लॉगिंग को ना इतना अच्छा नहीं माना जाता था एक टाइम पे, और अभी भी स्टिल कुछ लोग कहते हैं कि डेली व्लॉगिंग ना बस एक कचरा है। ये सबसे बड़ी गलती थी रजा समो की कि उसने सही टाइम पे शिफ्ट नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड डक्की भाई ने शिफ्ट कर लिया था, और वो बंदे की जो एक ऑडियंस थी वो रजा समो के कीड़े ऊपर बढ़ने लगी, और ऑन दी अदर हैंड जो रजा समो की ऑडियंस थी वो गिरने लग गई। अब ऐसा नहीं है कि रजा समो ने कोई कंटेंट नहीं अपलोड किया था, रजा समो ने बहुत कंटेंट अपलोड किया था, और उसने नॉर्मल व्लॉग्स भी डाले, उसने रिएक्शन वीडियोस भी डाली, उस पॉडकास्टिंग और उसने अपनी फिल्म मेकिंग के शौक पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, और उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी ट्राई की, लेकिन कुछ भी नहीं चला। ऑन दी अदर हैंड डक्की भाई के मिलियन में मिलियन व्यूज़ जा रहे थे और रोज़ जा रहे थे, ऊपर से डक्की भाई ने शादी कर ली थी तो एक एडवांटेज वो भी हुआ। दूसरी साइड पे ये हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं रजा समो, लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा, और फिर ये होता है कि इनकी भी शादी हो जाती है रजा भाई की। गेस व्हाट, पिछले 2 सालों में इन्होंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं उसमें से सबसे ज़्यादा व्यूज़ इनकी सिर्फ एक ही वीडियो में है, वो है बेसिकली हमारी शादी। लेकिन जिस तरह का लेवल डक्की भाई और अरूज तोयका जा रहा था, जिस तरह की हाइप डक्की भाई और अरूज तोयका जा रही थी, इन दोनों की नहीं जा रही थी और जा रही है। अब मैं डक्की भाई और रजा समो को इससे कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक साथ, इन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया तकरीबन, एक साथ काम करते थे और हमें यही नज़र आते थे एक टाइम पे 2018 के 2019 के टाइम पे कि भाई ये रोस्टर्स हैं। आल्सो रजा भाई ने एक कराची में जाके एक फिल्म भी की जॉन, जिसमें बेसिकली आशी वजाहत और रुमैसा वगैरह थे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू रजा भाई। एक ये चीज़ कि वो अपना एक्टिंग में ज़्यादा देख रहे थे, उनका इसलिए यूट्यूब से थोड़ा ध्यान हटा हुआ था, और वो यूट्यूब पे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाह रहे थे, वो हमारी शर्टें ले लो वो वाली चीज़ नहीं करना चाह रहे। दैट्स अ रीज़न जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस डिस्टर्ब्ड हो गई और उनकी ऑडियंस बट गई। अब ही इज स्टिल ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट इन टू द गेम अगेन, बट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अभी भी ही इज स्टिल डूइंग इट,
और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। रजा भाई आप लगे रहे, लेकिन जो आपके पास ऑडियंस है, आपके ऑडियंस को वही वाला रजा समो देखना है। उन ऑडियंस को वही देखना है कि हमारी शटे ले लो। और ऊपर से एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि इनका जो अकाउंट था, इनका चैनल हैक हो गया था और इनकी पूरी लाइफ के लग गए थे बहुत बड़े एल, क्योंकि इनका जितना फाइनेंशियली वगैरह जितना सारा सीन था पैसों का, वो था यूट्यूब के जरिए। इनकी कोई दूसरा बिजनेस वगैरह नहीं था, तो इनका सारा ठप हो गया। लेकिन किसी तरीके से इन्होंने चैनल वापस लाए, किया, काम करना शुरू किया और कोशिश की इन्होंने, लेकिन अभी भी नहीं हो पा रहा। ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि YouTube इज नॉट परमानेंट। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हैं, दे नीड टू रियलाइज कि ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया है ना, इसमें रुच भी आता है तो जवाल भी आता है। जिस तरह से फ्लाइंग पिस्ट एक टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा था, अब कोई नहीं देखता उसके, उसके व्यूज़ बहुत डाउन चले गए। उसी तरीके से सौरभ जोशी, जो कि एक टाइम पे जिसको जानता भी नहीं था, अब वो इंडिया का टॉप का यूट्यूबर है / डेली ब्लॉगर है। तो जब अरूज आए तो चीज़ों को देखो कि किस तरीके से आपने अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करना है और किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है और सही टाइम पे सही फैसले लेना सीखो, ठीक है, अगर आपको एक्चुअली में ये कंटेंट क्रिएशन में जाना है। दूसरा, ये अपने जो पैसों का दारोमदार है सिर्फ यूट्यूब को ना रखो, कुछ और भी करो अपनी लाइफ में, कोई पैशन या कुछ भी आप करना चाहते हो, ठीक है, वो भी करो, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। सो दैट्स इट, इट वॉज माई फर्स्ट एपिसोड ऑफ सोच बैशराज कुरैशी। आई होप के रजा भाई जितनी मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत रंग लाए और हमें दोबारा रजा समूह एनर्जेटिक वाला देखने को मिले। कुछ भी हो रजा समूह भाई, आई लव यू, ठीक है। एंड आई रिमेंबर द डेज जब मैं स्कूल में होता था तो गैलेटोस प्रेजेंट्स ऑसमो स्पीक्स यही क्लास में बज रहा था। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर रजा भाई, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये पहली बार है कि मैंने अपने कंटेंट से जो मैं टिपली डालता हूँ ब्लॉगिंग वगैरह उससे हटके कुछ किया है। आई होप यू लाइक इट, मुझे कमेंट्स में बताना और दूसरा सब्सक्राइब कर लो। वी आर वेरी क्लोज टू 10K एंड या अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।